केला जो है सारा गिर चुका है। काफी पैसे चल गया, बारिश हुई भी है, तो ये इसका ऊपर का हिस्सा है, नहीं तो मतलब आप इसकी हालत देखिए, वहाँ चलने लायक बिल्कुल नहीं है, पत्नी छत वगैरह गिर जाए। इसमें कमरे बने हुए हैं कि हर मोड़ पर एक कमरा है, चिनाई चिनाई है, सारी की सारी चूने की बनी है, देखिए आप। इसमें छोटा सा जीना है जो बिल्कुल फाइनल ऊपर जाता है। तो इस दीवान खाने के अंदर ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं जैसे कि भूल भुलैया होती हैं। आप छत की खूबसूरती देखिए, आप कितनी खूबसूरत छत बनी हुई। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं दौलतपुर, और दौलतपुर में क्या है दौलतपुर की फेमस चीज, उसको आज आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आ गए हैं दौलतपुर के अंदर, फरीद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कभी किला हुआ करता था, लेकिन अब ये किला जो है सारा गिर चुका है, खाली इसका गेट गेट बचा है। और इसकी दीवारें देखिए आप, बिल्कुल मिट्टी की दीवारें हैं जो सारी की सारी गिर चुकी हैं, और इसमें जो बचा खाली एक गेट बचा है। आइए दिखाते हैं हम आपको इस गेट को करीब से। तो तकरीबन ये 200 साल पहले कभी किला हुआ करता था, जब कभी अंग्रेज यहाँ पर थे तो ये किला था, लेकिन अब जो है सारे के सारे बिल्कुल गिर चुका है। आप इसकी हालत देखिए, खाली एक गेट ही गेट है इसके अंदर, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं सारे का सारा मैदान जो है ये किले का ही मैदान है, लेकिन यहाँ किले का कोई सबूत। और ये तो आप देख रहे हैं दीवान खाना है, यहाँ अंग्रेजों के टाइम पर जो फैसले वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। खाली ये बिल्डिंग रह गई है, दीवान खाने के नाम से मशहूर है, काफ़ी पुरानी है, मालूम हुआ कि 200 साल पुरानी ही ये तकरीबन वो दीवान खाना है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको हम दीवान खाने के अंदर। आइए अंदर को दिखाते हैं आपको अंदर से, क्योंकि हालत इसकी बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों के टाइम में फैसले होते थे, जितने भी मुकदमे वगैरह होते थे तो उनके फैसले यहीं पर होते थे। तो ये जो है ये दौलतपुर की जो है फेमस चीज़ है, दौलतपुर जो स्टार्ट हुआ था वो यहीं से ही स्टार्ट हुआ था। ये दौलतपुर का बिल्कुल बीच का हिस्सा है, दौलतपुर का बीच है, छतें इसकी बिल्कुल तकरीबन गिर चुकी हैं। देखिए आप ये हिस्सा भी दिखाइए, देखे चलते हैं आपको दूसरे हिस्से की तरफ। वही जो है इसका बरामदा है, इधर भी एक कमरा है, ठीक काफी पैसे चल गया, इसमें बारिश हुई भी है, यहाँ पर वो हुई है खींच हो रही है, ये काफी बड़ा है और काफी देखिए आप उसकी हालत देखिए, इसकी भी जो चिनाई हुई हुई है वो चूने की हुई हुई है, चूना और मिट्टी सीमेंट बिल्कुल यहाँ पर नाम को नहीं है, लेकिन आप चूने की चिनाई है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चूने की चिनाई है। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि जितनी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है तो सबके अंदर जो है वो चूना इस्तेमाल किया गया, देखिए आप टोटल चूना है, तो ये पुरानी बिल्डिंग के अंदर जो है चूना ही इस्तेमाल होता था। ये देखिए आप अंदर भी देखिए आप, ये दुमजिला बना हुआ है, ऊपर भी बिल्डिंग है इसके, लेकिन बिल्कुल जो है गिर चुकी है, नाकिस हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, काफ़ी बड़ा दीवान खाना है ये। जैसा हमें इसका मालूम हुआ कि तकरीबन 200 साल से ज़्यादा बताया, तो ये जो है इसका ग्राउंड है जो आप देख रहे हैं ग्राउंड, ये यहाँ पर जो है जनता वगैरह आके बैठती थी, यहीं पर उनके फैसले होते थे, और यहाँ पर जज जो थे वो यहीं पर बैठ के फैसले सुनाते थे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको इसके एक और हिस्से की तरफ, यहाँ पर कोई रहता सहता नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर गंदगी है, सारी गंदगी आप देख रहे हैं,
तो जिस खानदान के ये है उसी खानदान के जो अफराद थे वो तकरीबन सभी ख़त्म हो चुके हैं और एक आदमी रह गए हैं खानदान के लोग उसमें रह गए हैं। तो वो जो खानदान के लोग हैं वो खाली मेरठ के अंदर रहते हैं, तो वही एक इसके जिम्मेदार बचे हैं। बाकी जो जिम्मेदार थे जिनकी विरासत के अंदर ये था वो सब ख़त्म हो चुके हैं। इसका मेन गेट दीवान खान का मेन गेट जो है वो ये है, क्योंकि इसका गेट है दीवान। गेट काफ़ी पुराना है। कमरे के अंदर कमरा बना हुआ है, देखिए आप, और इसमें जीना भी है। कमरे के अंदर कमरा है, ये देखो कमरा आगे, देखिए काफी बड़ा कमरा है ये भी, और ये इसको ऊपर जाने का जीना है, ये ऊपर की तरफ जाने का जीना है इसका। ये हम इसके दूसरे हिस्से में आ गए, यहाँ भी देखिए काफी बड़ा बरामदा है, देखिए लेकर चलते हैं आपको इसके दूसरे हिस्से तक। तो ये इसका ऊपर का हिस्सा है, नहीं तो मतलब आप इसकी हालत देखिए, वहाँ चलने लायक बिल्कुल नहीं है, पतनी छत वगैरह गिर जाए। ऊपर से देखा होगा सही से, देखिए ये हिस्सा है। आम छतें जो है गिर चुकी हैं क्योंकि काफ़ी पुराना है। नहीं देखिए आप इसका ये हिस्से, देखिए उसकी बनावट देखिए आप। यहाँ पर जब ये सही हालत में था यहाँ पर बरातें वगैरह भी आकर रुका करती थी, लेकिन अब इसकी हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर कोई बरात वगैरह नहीं आती। खाली भैंस दौड़ वगैरह जो है वो बनते हैं। देखिए आप कितने इसमें कमरे बने हुए हैं कि हर मोड़ पर एक कमरा है, हर मोड़ पर आपको एक कमरा मिलेगा। देखिए यहाँ भी एक कमरा आ गया, ये दर है। और देखिए सबकी सारी चिनाई चिनाई है, सारी की सारी चूने की बनी हुई, देखिए आप सारी चूने की बनी हुई है, जिसे लगता है ये काफी पुराना बना हुआ है। आपको हिस्से की तरफ तो ये भी देखिए एक छोटा सा जीना है जो बिल्कुल फाइनल ऊपर लगता है, बस इस पर एक ही आदमी आ सकता है। देखिए देखिए तो ये इसका तीसरा हिस्सा है। जब ये कभी अपने सही हालत में होगा तो बहुत ही अच्छा बहुत खूबसूरत लगता होगा ये, लेकिन इसकी हालत अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और ये जो है दौलतपुर का बिल्कुल फेमस चीज़ है, इसको दीवार खाना कहा जाता है। तो ये था ना जिसके बारे में हमने सुना था कि काफ़ी फेमस चीज़ है दीवार खाना दौलतपुर का। हम यहाँ पर आए, आकर यहाँ पर हमने व्लॉग बनाया ताकि आप लोग भी देख सकें हमारे साथ साथ। तो ये भी देखिए उसका एक हिस्सा बना हुआ है, उसमें भी आपको लेकर थी। तो इसकी एक खासियत ये है कि जिधर को भी हम जा रहे हैं उधर एक छोटा सा कमरा हमें नजर आ रहा है, तो इसके जितने भी रास्ते हैं ना तो बिल्कुल एक से रास्ते हैं और दूर दूर की तरह इसके रास्ते हैं। देखिए इधर को चले तो इधर कमरा आ गया, और अगर इधर को चलते हैं तो इसमें रास्ते बिल्कुल एक से हैं, हम भी रास्ता भूल गए थे फिर दोबारा वापस होकर आए हैं, तो भूल भुलैयों की तरह इसमें रास्ते हैं। इधर है रास्ता, इधर चल रहे हैं, ये है रास्ता जो इसको ऊपर जाने का है। तो इसके आपको तीसरे हिस्से की तरफ ले चलते हैं, इसमें तीन हिस्से हैं, देखिए तमाम रास्ते। तो आइए चलते हैं अब नीचे, और इस तीसरा हिस्सा, आप छत की खूबसूरती देखिए आप,
कितनी खूबसूरत छत बनी हुई है। जब ये कभी बिल्कुल ठीक ठाक होगा, अपनी सही हालत में होगा, तो ये छत जो है बड़ी खूबसूरत लगती होगी, बड़ी अच्छी। इस पर फूल पत्ती डिज़ाइन वगैरह उस टाइम पर बनाई गई हैं, अभी तक सही साड़ी है, बिल्कुल कलर वगैरह भी आपको सही मिल रहा होगा इसका। अभी देखिए इनको ताक कह देते हैं, ताक के ऊपर जो डिज़ाइन बने हुए हैं, इतना खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं। अब तो कोई नहीं बनाता ऐसे डिज़ाइन, लेकिन पहले जितने भी हवेली कह दीजिए, घर कह दीजिए, जितने भी और घर हो रहे हैं, पुरानी हवेलियाँ होती हैं, उन सब के अंदर ऐसे डिज़ाइन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, गेट के ऊपर डिज़ाइन आ रहा है। इसमें आप इसके किसी भी हिस्से की तरफ चल जाइए, इसमें छोटे छोटे रास्ते ज़रूर हैं, छोटे छोटे गलियाँ हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, और वो रास्ता किसी न किसी जाके दूसरे कमरे के अंदर ज़रूर खुल रहा, यानी बंद नहीं है रास्ता, वो रास्ता कहीं ना कहीं देखिए, ये भी कहने की खुद का होकर रास्ता जाकर इसको बंद कर दिया गया। और देखिए ये इसका नीचे का हिस्सा है, इसका नीचे का अपना दौलतपुर का दीवान खाना। तो कैसे लगा आपको दीवान खाना कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर बताइए हमें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।